कुछ तो कहते थे कि मतलब बावला बना रहा है क्या मतलब किसी में नंबर नहीं है लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है कुछ कह रहे थे कि भाई नौकरी कोई पेड़ के थोड़ी लगती है जो आके गिर जाएगी ऐसे ही सबको बेवकूफ़ बना रहा है मेरा हो गया मेरा हो गया दो ढाई साल हो गए नंबर कहीं आ नहीं रहा है बस लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है नमस्कार मेरा नाम है राजपाल शेखावत तो और आप देख रहे हैं आपनों सिखर जब भी कुछ करने की बात आती है तो अक्सर हम बहाने बनाते हैं मेरे पास में ऐसी परिस्थितियाँ नहीं है मेरे पास में इन संसाधनों की कमी है तो मैं ये नहीं कर पाऊंगा लेकिन आज हमारे साथ में एक ऐसा उदाहरण है जो आप सब लोगों को प्रेरणा देगा कि संसाधन की कमी अगर आपके अंदर जज्बा है तो आपको रोक नहीं पाएंगे हमारे साथ में है हंसराज बगड़िया जिनकी अगर परिस्थितियों की बात करें तो दादाजी और पिताजी फेरी का काम करते गांव में घूम घूम कर कपड़ा बेचा करते थे लेकिन आज उनकी आर्थिक परिस्थितियों के कमज़ोर होने के बावजूद उन्होंने कस्टम इंस्पेक्टर की जॉब को क्रैक कर लिया है उनकी सफलता की अगर बात करें तो एक काफ़ी अच्छी पोस्ट उनको मिली है तो उनसे हम बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि कमज़ोर परिस्थितियों के बावजूद किस प्रकार से उनको ये सफलता मिली है ताकि आप भी उनसे प्रेरणा ले सकें हंसराज जी सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई कि आपने एक बहुत अच्छी पोस्ट के ऊपर सफलता आपको मिली है आपकी अगर फैमिली बैकग्राउंड देखें तो आपके दादाजी अभी भी फेरी का काम करते हैं आपके पिताजी ने भी ये काम किया है तो ऐसी परिस्थितियां तो आपके खिलाफ थी उसके बावजूद ने आपने इतनी अच्छी पोस्ट है तो काफ़ी मेहनत करनी पड़ी होगी तो ये आपने किस प्रकार से किया शुरू में सर यही था कि मतलब शुरू में तो मैं ज़्यादा सीरियस था नहीं लेकिन जब से मतलब पापा की मतलब पापा और दादा मतलब जो इस कठिन परिस्थिति में जैसे तैसे मजदूरी करके पढ़ा रहे हैं जिस जैस जब से मुझे ये पता चला है कि भाई इतना संघर्ष करने के बावजूद कि भाई अपन को ये पढ़ा रहे हैं अच्छी शिक्षा दिला रहे हैं तो क्यों ना इसका अच्छा फ़ायदा इनको भी दूँ या खुद भी लूँ तो उसी टाइम से मतलब एक मन में विश्वास पैदा कर लिया कि अपन को एक कुछ अच्छा करना है कि घर वालों को भी अपने पे नाज हो घर वालों को लगे कि नहीं भाई अपने जैसे कहते हैं ना कि एक सपूत पैदा हुआ है तो वही था कि मतलब अपन उनको अब अपन को कुछ अच्छा करना है तो उसी टाइम से एक मन में विश्वास जगा लिया कि भाई अब अपन करेंगे तो कुछ अच्छा ही करेंगे घर वालों को अपन पे गर्व हो एक मैं बात आपसे जानना चाहता हूँ कि परिवार की जो आर्थिक स्थिति है वो इतनी अच्छी नहीं होगी तो उस समय में आपकी जो पढ़ाई है स्कूलिंग है उसके बाद में आपका कॉलेज है उसके बाद में अक्सर देखा जाता है कि आप कोचिंग्स वगैरह में जाते हैं अपनी तैयारी करते हैं तो उसमें काफ़ी पैसा लगता है तो आपने वो जो समय वो किस प्रकार से निकाला क्या आपके लिए चैलेंज रहे या आसानी से आप ये चीज़ें आपके साथ होगी भाई देखो ये है कि भाई जब आप मतलब ठान लेते हो कि मेहनत करनी है तो चैलेंज तो वैसे भी बहुत आते हैं कि भाई सोचने मा सोच लेने मात्र से कुछ नहीं होता जैसे अपन ने सोच लिया कि भाई ठीक है मैं ऐसा ऐसा कुछ कर लूँगा अब सोचने मात्र से नहीं होता है रियल में ऐसा कुछ नहीं होता है एक तो आदमी जैसे मानता हूँ कि भाई संसाधनों की कमी से भी कुछ मतलब संकट आ सकते हैं लेकिन ये नहीं कह सकते कि मतलब ऐ, मतलब संसाधनों की कमी के कारण भी ये कर ही नहीं सकता हालांकि मानता हूँ कि भाई मिडिल क्लास में कुछ ऐसी मतलब प्रॉब्लम बहुत सी आती है अब जैसे मेरे दादाजी थे मेरे पिताजी थे जो मतलब मजदूरी करते थे अब हम पांच भाई बहन थे पांचों भाई बहन के साथ हमारा घर चलाना हमें पढ़ाना तो काफ़ी चैलेंजिंग था उनके लिए फिर भी ये था मतलब इतने चैलेंज सहने के बाद भी वो अपने बच्चों को हम पाँचों भाई बहनों को पढ़ा रहे हैं अच्छी शिक्षा दिला रहे हैं तो यही था उस टाइम भाई दिक्कतें तो बहुत आई लेकिन ये था दिक्कतों से लड़ता गया कुछ ऐसी ठान भी रखी थी कि भाई ठीक है अपन अपने परिवार वालों को भी इस दिक्कत से मुक्त करवाएंगे इस मजदूरी मतलब जो संघर्ष जो कर रहे हैं उसमें इजाफा करवाएंगे तो यही सब सोचकर मन में ये विश्वास पैदा हो गया था कि भाई अब अपन कुछ अच्छा करके ऐसी पोस्ट लेंगे जो जल्दी अपन को मिल जाए जल्दी जो पकड़ लें ताकि घर वालों का भी जो मतलब संघर्ष था वो कम हो नहीं जल्दी जॉब पकड़ने की बात है लेकिन आपको जो पोस्ट मिली है वो कोई छोटी पोस्ट नहीं है कस्टम इंस्पेक्टर आप बने तो ये अपने आप में बहुत बड़ी पोस्ट है और जैसे आपने बताया था कि ऑल ओवर इंडिया जो आपकी एग्जामिनर की पोस्ट है उसमें सिर्फ बाईस पोस्ट थी उसमें से एक पोस्ट आपको लेना बहुत बड़ी बात है बाईस में से एक पूरे देश में होना काफ़ी अच्छी सक्सेस इसे अपन मान सकते हैं लेकिन आपने बताया कि आप पांच भाई बहन थे और स्कूलिंग वगैरह बच्चों को पढ़ाना उनकी फ़ीस जमा करवाना एक परिवार माता पिता है वो पूरी कोशिश करते हैं कि बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा दे सकें लेकिन पांच भाई बहनों को पढ़ाना लिखाना उनके फ़ीस जमा कराना उनके सामने भी एक बड़ा चैलेंज तो रहा होगा तो आपके सामने भी कई बार ऐसी परेशानियां आई होंगी भले ही आप बच्चे हैं लेकिन आपने महसूस किया होगा कि हमारी जो फीस है वो हमारे माता पिता के लिए जो दादाजी भी काम करते हैं उनके लिए एक थोड़ा सा बर्डन हो रहा है भाई यही था सर स्टार्टिंग में मतलब आ, मैं ये कभी सोचा ही नहीं था कि मतलब आ, जो पेरेंट्स है कैसे मैनेज कर रहे हैं एट्थ क्लास तक मैं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा था उसके बाद ने घरवालों ने अच्छी सोची एक उम्मीद लगाई मुझे अच्छी शिक्षा दिलाई नाइन्थ क्लास से मुझे प्राइवेट स्कूल में एडमिशन करवाया नाइन्थ टेंथ इलेवंथ ट्वेल्थ प्राइवेट अच्छे स्कूल में एडमिशन करवाया उसके बाद यही था ट्वेल्थ तक तो मुझे कुछ पता ही नहीं था मतलब सीरियसनेस का जो लेवल था एकदम नीचे था अच्छा। मैंने कभी ए, सोचा ही नहीं था कि मतलब अपन को कुछ अच्छा करना है एक मतलब गवर्नमेंट जॉब भी लेनी यही नहीं सोचा था मन में कभी ख्याल ही नहीं आया बस यही चल रहा था कि भाई ठीक है अपन पढ़ रहे हैं बस इतना ही मतलब था दिमाग में यही था बस पढ़ना है इसके अलावा कुछ करने का कभी सोचा ही नहीं था लेकिन यही था धीरे धीरे कुछ परिस्थिति ऐसी बनती गई जैसे मतलब पापा वगैरह मैनेज कर रहे थे धीरे धीरे समझ में आ रहा था कि भाई एक बात तो ये हुआ कि मतलब ट्वेल्थ क्लास में मैं मतलब पढ़ने में बिल्कुल जीरो था मुझे क्लास का लास्ट ऊपर में ही रहता था कन्फर्म था कोई भी क्लास टेस्ट हो या कुछ एग्ज़ाम हो कंफर्म रहता था कि लास्ट मुझे ही आना था साफ रीज़न उसका यही था कि मतलब मैं बिल्कुल केयरलेस था ना मुझे पढ़ने लिखने से मतलब था ना कोई टारगेट से था लेकिन लास्ट में कुछ मतलब ऐसी परिस्थितियाँ होने लगी जैसे मतलब इतनी अच्छी स्कूल में पढ़ाना उसकी फ़ीस टाइम से जमा करवाना तो एक दिन ऐसा कुछ हुआ कि भाई फ़ीस का ये था कि मतलब लास्ट एग्ज़ाम का टाइम था अब एग्ज़ाम के टाइम में ये हुआ कि मतलब एडमिट कार्ड था जो मतलब आज का एडमिट कार्ड मिलना है कल का एग्ज़ाम है तो एडमिट कार्ड के चक्कर में मुझे शाम सुबह से शाम तक मेरी फ़ीस जमा न होने के कारण बिठाए रखा अब उस टाइम मेरे जो पेरेंट्स थे पिताजी थे वो फीस जमा कराने के इंतज़ाम के लिए पता नहीं कहाँ कहाँ भटक रहे थे जैसे तैसे करवा के उन्होंने फ़ीस जमा करवाई तब मुझे मतलब पता चला ना इस प्रोसेस का मतलब यार कितना संघर्ष कर रहे हैं कैसे रुपए मतलब इस दौर में कैसे रुपए कमा के घर चला रहे हैं उसके बावजूद हमें पढ़ा रहे हैं तो धीरे धीरे मतलब दिमाग में सीरियसनेस अपने आप आने लगी धीरे धीरे दिमाग में ये टेंशन होने लगी कि यार अपन क्या है घर वालों के साथ विश्वासघात कर रहे हैं घर वालों की जो उम्मीद अपन घर से लगा रखी थी वो तोड़ रहे हैं तो उस टाइम धीरे धीरे दिमाग में ये बात आने लगी अब दिमाग में यही था दिमाग में बात आने लगी तो मतलब दिमाग में मतलब चलने लगा दिमाग में डोलने लगा कि नहीं यार अब कुछ करना है साथ में फिर यह भी बात आ जाती कि यार अब कैसे होगा अपन को जैसे ट्वेल्थ क्लास तक कुछ पढ़ाई नहीं कुछ समझाए नहीं जो बेसिक लेवल था जब पढ़ना था समझना था तब तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं।, नहीं।, नहीं तो फिर दिमाग में डर भी रहता लेकिन वही थी घर वालों की उम्मीद और विश्वास के कारण मन में ये सेट हो गया था कि नहीं अब अपन को कुछ करना ही है तो उसी टाइम से मैं सीरियस हुआ तो अब उसके बाद भी काफ़ी संघर्ष तो आना था लेकिन यही था मतलब घर वालों के विश्वास के कारण मन में ये विश्वास बैठ गया था कि भाई अब अपन को मतलब अच्छा करना है तो उस टाइम स्टार्टिंग में तो मैंने नहीं सोचा था कि अपन को कस्टम इंस्पेक्टर की पोस्ट लेनी थी स्टार्टिंग में मेरा यही एम था कि भाई अपन को एक जॉब करना है तो मैंने क्या है हुआ गवर्नमेंट जॉब के लिए कोचिंग में एडमिशन लिया शुरू में यही सोचती कि ग्रुप डी की भी पोस्ट ले लेंगे ना तो अपने लिए बेस्ट है भाई घर वालों को मतलब सहारा मिल जाएगा तो उस टाइम मेहनत करना स्टार्ट किया अब जैसे तैसे चलता रहा एक बार कोचिंग की छः महीने की कोचिंग की घर वालों की जो सुविधा थी उसके अनुसार छः महीने की कोचिंग की उसके बाद मैंने आगे की जो तैयारी की वो सेल्फ से ही की थी स्टार्टिंग में मतलब मेहनत पूरी कर रहा था जब से मतलब समझ में आया जब से जिम्मेदारी समझ में आई बात समझ में आई तब से मेहनत पूरी थी लेकिन रिजल्ट था वही था मतलब रिजल्ट अभी भी जीरो आ रहा था उसका साफ साफ रीजन यही था कि मतलब ट्वेल्व तक न पढ़ना कॉलेज में, में फेल होना जो कॉलेज के ओवरऑल परसेंटेज थे वो मेरे चौवन परसेंटेज थे हाँ तो उस टाइम तक मतलब लापरवाही था मेन रीज़न यही था कि मतलब लापरवाही चल रही थी तो कभी ये सोचा ही नहीं था कि मतलब करना है लेकिन जब से सीरियस वह आना पूरी ईमानदारी से लगा रहा अब संघर्ष काफ़ी चलता रहा डेढ़ दो साल तक तो पता ही नहीं चला चल क्या रहा है हालांकि मेरी मेहनत पूरी थी लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा था तो यही है रिजल्ट का यही है मतलब लापरवाही है आपको अभी नहीं तो आगे जाके दिक्कत करेगी तो उस टाइम लगा रहा डेढ़ दो साल तक तो कोई परिणाम नहीं आया लेकिन कंटिन्यूटी बनी रही मन में ये जो था विश्वास बना रहा उसके बाद धीरे धीरे रिजल्ट आना स्टार्ट हुआ एक डायरेक्शन मिलने लगी मुझे रास्ता अपने आप मिलना लगा कि भाई नहीं अपन को ये करना है तो उसके बाद मैंने जो फर्स्ट पेपर दिया था मेरा वो दो में दिया था हालांकि उससे पहले मैंने पेपर काफ़ी दिए थे लेकिन कोई भी पेपर में सिलेक्शन नहीं हुआ था लेकिन उसके बाद धीरे धीरे पेपर निकलने लगे तो धीरे धीरे पेपर निकलते निकलते ये एम सेट हो गया था मन में ये कॉन्फिडेंस भी आ गया था उसका साफ यही था मतलब घर वालों का मेरे ऊपर विश्वास था मेरा स्टार्टिंग से रिजल्ट जीरो रहा है तो घर वालों का विश्वास ही था मुझ पर कि भाई मैं इतना कुछ कर सका था हालाँकि मैंने कई बार हार मान ली मैंने ये सोच लिया कि नहीं मुझसे अब नहीं होगा अब मुझसे उगा ही नहीं लेकिन फिर घर वालों की जो उम्मीद याद आती विश्वास याद आता उसके बाद से मतलब इस तरह से सीरियस हुआ मैं अपना पूरा क्रेडिट घर वालों की उम्मीद और विश्वास को ही देता हूँ भाई उनके विश्वास और ए, मतलब उनका जो मुझ पर विश्वास था उसी के कारण मतलब मैं ये हिम्मत जुटा पाया कि नहीं यार अपन को कुछ करना ही पड़ेगा हालांकि मुझे असफलता बहुत मिली बीच में लेकिन मन में ये सेट हो गया था कि अब उम्मीद नहीं तोड़नी है घर वालों की तो उसी टाइम से लगा रहा लगा लगा धीरे 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 छोटे पेपर निकलते निकलते इस टाइप का लेवल सेट हो गया था कि मैं बड़े लेवल का भी मेरा मतलब एक एम बन चुका था कि भाई अब अपन को एक अच्छी पोस्ट लेनी है तो शीजल का एक ऐसा -एक एग्ज़ाम होता है जिसमें बड़ी अच्छी अच्छी पोस्ट है कुछ पोस्टें तो ऐसी होती है जैसे तो टोपरों के लिए प्रीफर होती है तो फिर मेरा भी आप मान सकते हो कि एक ऐसा बच्चा जिसका मतलब टेंथ ट्वेल्थ में पास होना मुश्किल था लास्ट में मेरा ये एम हो गया था कि भाई नहीं अब मुझे अच्छी पोस्ट लेनी है शी की जो टॉप पोस्ट होती है जिसे एग्जामिनर प्रिपेयर करते हैं वो लेनी है तो लास्ट में मैं आज, आज आप आपके सामने हूँ मैंने जो फर्स्ट प्रायोरिटी मेरी पोस्ट डाली थी कस्टम इंस्पेक्टर की जिसे मिनी आई के रूप में भी जाना जाता है वो पोस्ट मुझे मिल चुकी नहीं बिल्कुल आपने बहुत अच्छा एक मुकाम हासिल किया है और परिवार का तो देखो आपने बताया कि उनका आपके ऊपर भरोसा था जितना आपको कॉन्फिडेंस नहीं था उससे ज़्यादा आपका जो परिवार है उनका आपके ऊपर ट्रस्ट था लेकिन जब ये स्ट्रगल का दौर चलता है उसमें एक चीज़ बड़ी कॉमन सी हमारा देखने में आती है कि हमारे आस के जो लोग हैं उन्हें लगता है कि ये स्कूल में इसने कुछ अच्छा किया नहीं है कॉलेज में भी कुछ अच्छा किया नहीं है पढ़ाई में ये कमज़ोर है घर की भी ऐसी सिचुएशन नहीं है कि आपको कुछ अच्छी बड़ी कोचिंग में वो लगातार तैयारी करवा सके तो ये जो दौर चला तो आसपास के लोगों का उस टाइम पे तो क्या रिएक्शन था जब आप तैयारी कर रहे थे और फिर अचानक से जब आपका रिजल्ट आया और पता लगा कि आप कस्टम इंस्पेक्टर बन गए इतनी बड़ी पोस्ट आपको मिली है उसके बाद में क्या रिएक्शन उनका रहा भाई देखो लोगों का ये है स्टार्टिंग में जब आप पढ़, पढ़ते लिखते नहीं हो ना तो किसी को कुछ भी मतलब नहीं रहता है कोई मतलब ही नहीं रखता है हाँ। जैसे मैं ट्वेल्थ तक पढ़ रहा था कॉलेज चल रही थी किसी को कुछ मतलब नहीं था बस चल रहा है अपना एक मतलब कर रहा है कुछ भी कर रहा है उनको पता है मतलब इतना कुछ तो रिजल्ट आता नहीं है बस पढ़ाई कर रहा है उसके बाद जैसे मैंने तैयारी करना स्टार्ट किया ना तो मैंने मतलब बहुत से सहन किया था कुछ लोग तो ऐसे थे जो मतलब पीछे से बोलते थे जैसे मतलब जब से मैं सीरियस हुआ मैं सीरियस होने के बाद मैं रोज़ सात आठ घंटे पढ़ता था तो ये था स्टार्टिंग में, में मेरे पेपर क्लियर नहीं हुए तब तक तो कोई मतलब ना ताने मिलना ना लोगों का परेशान करना लास्ट में ही हुआ जैसे जैसे मेरे पेपर निकलने लगे अब पेपर निकलता तो लोगों को पता चल ही जाता था या मैं मतलब सोशल मीडिया पे बाद में क्या है लोगों के तानों से परेशान होकर सोशल मीडिया पे पोस्ट डालना स्टार्ट किया शुरू में ये था मेरा पेपर क्लियर हुआ था 2017 वाला तो मैंने उस टाइम तो सबको मतलब आप घर वाले बता देते हैं कि भाई बच्चे का ये निकल गया निकल गया निकल गया उनको खुशी होती है हाँ उनको खुशी होती है तो मतलब अपने लोगों से वो शेयर कर लेते हैं अब बात होती है वो चारों तरफ फैल ही जाती है फिर दूसरा पेपर भी निकला तीसरा भी निकला अब मेरा वो लेवल सेट हो गया था कि मुझे अच्छी पोस्ट लेनी है इसलिए मैं पेपर को क्या स्किप कर रहा था अब लोगों को तो यही लग रहा है कि आजकल नौकरी है कहाँ पर छोड़ने के लिए भाई नौकरी है ही नहीं तो ये छोड़ेगा कहाँ से बेवकूफ़ बना रहा है सबको फिर मैंने क्या है जो भी मैं क्लियर करता ना फेसबुक पर पोस्ट डालता अब कुछ लोग तो इतने नेगेटिव होते हैं मतलब आप उनको दिखा भी दोगे ना तो वो तब भी नहीं मानेंगे कि मतलब ये सब कर चुका है तो एक दो आया था मतलब जैसे मतलब सिलेक्शन मैंने काफ़ी स्किप कर दिए थे मेरा ये लेवल बन गया था मेरा एम बन गया था कि मुझे कुछ अच्छा करना है तो उस टाइम मैंने लगभग पाँच से छः पोस्ट स्किप की थी तो उसके बाद क्या हुआ जिस चीज़ की मैं तैयारी कर रहा था ना 2019 वाले की 2018 भी मेरा सीजन क्लियर हो गया 2018 के थ्रू मुझे पोस्ट मिल जाती लेकिन उसका रीजन ये था मेरी ग्रेजुएशन थी जो 2019 में हुई थी 2019 18 वालों ने साफ साफ कह रहा था कह रखा था कि आप अगर आपकी ग्रेजुएशन 2018 में होती है तो आप एलिजिबल हो अगर दो के बाद होती है तो आप एलिजिबल नहीं हो अब मुझे डीवी के लिए बुला लिया गया दो में लेकिन मैं ग्रेजुएशन के तौर पर एलिजिबल नहीं था तो उस टाइम से मैं रिजेक्ट कर दिया गया फिर दो का एग्जाम लगा अब दो में यह हुआ कि जो बत्ती थी हमारी कोर्ट केस हो गया बत्ती पे। अब कोर्ट केस के कारण एक साल डिले हो गया अब एक साल के अंदर एग्जाम लग गया एग्ज़ाम का प्रोसेस ही सीजीएल का लंबा होता है डेढ़ दो साल तक तो इसका एग्ज़ाम कंप्लीट होता है उसके बाद रिजल्ट का फाइनल प्रोसेस जो एक साल डिले हो गया अब लोगों को तो यही लग रहा था कि इतनी सालों से बेवकूफ़ बना रहा है इसमें आ गया इसमें आ गया जा कहीं रहा नहीं है तो एक साल में तो मतलब ये कोर्ट केस के चल चल रहा था ना तो इस टाइम तो मतलब कुछ नेगेटिव लोग इतने ही ज़्यादा मिल गए थे नेगेटिव उनकी कमेंट्स हालांकि सामने नहीं कहते थे पीछे से कहते थे कुछ तो कहते थे कि मतलब बावला बना रहा है क्या मतलब किसी में नंबर नहीं है लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है कुछ कह रहे थे कि भाई नौकरी कोई पेड़ के थोड़ी लगती है जो आके घीस जाएगी ऐसे ही सबको बेवकूफ़ बना रहा है मेरा हो गया मेरा हो गया दो ढाई साल हो गए नंबर कहीं आ नहीं रहा है बस लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है कि भाई मेरा हो गया मेरा हो गया फिर एक साल में तो ये है मतलब लोगों का इतना कुछ लोग थे मतलब कुछ ज़्यादा ही परेशान लोगों के द्वारा कर रखा था मतलब लोगों को से कहते हैं जो बैठते पांच आदमी में मैं कहीं बैठते तो उनसे ये सब बातें करते थे कि यार क्या बेब बना रहा है इसका कहीं नहीं है लेकिन जब रिजल्ट आया ना कुछ हालांकि ऐसे पॉजिटिव लोग भी मुझे मेरे साथ थे मुझे मिले थे मतलब जो मेरी हिम्मत को बढ़ा रहे थे मेरे जोश को और अधिक डबल कर रहे थे कि भाई नहीं यार हो जाएगा तेरा तुझे अच्छी पोस्ट ही मिलेगी कुछ ऐसे लोग भी मिले आज उन्हीं की बदौलत हूँ कि मतलब जो हिम्मत में जुड़ी रही टूटी नहीं तो उन जो पॉजिटिव लोग थे उन्हीं के कारण ऐसा कुछ हो सका हालांकि नेगेटिव लोगों ने तो इस कदर गिरवा दिया कि भाई इस कदर हौसला टूट गया था कि यार अपन वो जो डी ग्रुप की पोस्ट थी ना वही अपन को ले लेनी थी भाई मन में ये डर बैठ गया था कि यार लोगों के तानों के से अच्छा है कि भाई जो डी ग्रुप की पोस्ट अपन को मिल रही थी उस टाइम वो ले लेते लेकिन बाद में क्या है जैसे रिजल्ट आया रिजल्ट आने के बाद जो नेगेटिव लोग थे अपने आप ही पॉजिटिव हो गए सबके कमेंट चेंज हो गए सबका मतलब व्यवहार ही चेंज हो गया ये सब था बिल्कुल तो ये हंसराज जी की कहानी से आप सब के लिए एक सबक है कि आपके सामने परिस्थितियाँ कैसी भी हो अगर आप ठान लें आपको कुछ करना है तो आप उसे हासिल कर सकते हैं इनकी परिस्थितियां आप देखिए परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी आसपास के जो लोग हैं वो उनके पास लेकर पॉजिटिव नहीं थे पढ़ाई में अच्छे नहीं थे लेकिन उसके बावजूद जब एक बार इन्होंने ठान लिया कि मुझे कुछ अच्छा करना है मुझे अच्छी पोस्ट लेनी है तो उन्होंने ये कर दिखाया अगर आपका भी ऐसा कोई सपना है तो आप भी मेहनत करें आप भी उसे हासिल कर सकते हैं लगातार हम सिकर से जुड़ी ऐसी खबरें कहानियाँ आपके सामने लेकर आते रहेंगे आज के इस वीडियो में इतना ही धन्यवाद